Yes, we are discussing about speech problems. Okay, so speech is one of the developmental problem. Speech is also one of the developmental problem. So therefore, so we will see some of the important developmental pediatrics. So speech problems are included under developmental pediatrics. Okay, this is the disorders related to developmental pediatrics. So we will see what is the basics of this developmental pediatrics. One or two slides we will see that. Developmental pediatrics, this is what we are planning to establish, CDC जो हम करना चाहते हैं, ठीक है, child developmental center. Okay, so this is deeply concerned with the developmental and behavioral issues of the children. So one is behavioral issue and another one is developmental issue. So we try to correct these two issues, or we try to address these two issues. What is the importance, why we have to do this? In the past, we are happy if the children are survived. Now we want them to survive and also thrive. पहले कैसा था कि बच्चे अगर बच गए तो काफ़ी था, या बच्चे जो है पैदा हो गए और बड़ा हो गए तो कुछ ना कुछ कर लेंगे. बट अभी जो मैंटेलिटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को बचाने से कुछ नहीं है, ठीक है, और उसको काबिल भी बनाना है. ओके, दैट्स द इशू, दैट सर्वाइव एंड ऑल्सो थ्राइव. ओके, सो दिस इज गिवन इन ब्रैडली मैरिनो AHA 2002 वो जो आर्टिकल में. बट अनफॉर्चुनेटली मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस इन आवर कंट्री डू नॉट रीच देयर फुल डेवलपमेंटल पोटेंशियल. वॉट इज हैपनिंग इज कि जो बच्चे हैं वो अपना डेवलपमेंट का फुल पोटेंशियल में नहीं जाते. हाँ, उसका डेवलपमेंट तो रहता है, बट वो जितना काबिल, मतलब जितना वो जो हासिल कर सकते हैं तो वहाँ तक वो एक्चुअली रीच नहीं होते. सो आवर जॉब इज ट्राइंग एंड चेंज दिस सिनेरियो. गॉट द पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड विद द स्पीच, सपोज स्पीच के साथ एक प्रॉब्लम के साथ बच्चे आपके पास आया, वो तो बात तो कर सकता है. देयर मे बी सम प्रॉब्लम, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, तो बात तो कर लेगा, सब कुछ समझ भी लेगा. बट क्या हमने उसको अपना उसका पूरा पोटेंशियल तक लेके गया? नहीं. वो बहुत कुछ कर सकता था, बहुत अच्छा ओरेटर बन सकता था, ठीक है, और बहुत अच्छा टीचर बन सकता था, जो भी बन सकता था, बट बिकॉज ऑफ दैट स्पीच प्रॉब्लम ही इज नॉट एबल टू रीच दैट गोल. सो वॉट डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स सेज इज गिव सच डेवलपमेंट टू द चाइल्ड कि उसका जो है पूरा पोटेंशियल यूज हो जाए, है ना, इसकी वजह से वो कोई प्रॉब्लम में ना. ओके, नाउ दीज आर सम ऑफ द इश्यूज, बट देर आर द डेवलपमेंटल डिफिकल्टीज आर सो कॉमन. नाउ इफ यू लुक इन टू पीडियाट्रिक्स, बाकी कंडीशन से ज़्यादा डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है. सो वी हैव टू फोकस मोर ऑन दैट. सी, चाइल्डहुड कैंसर इज ओनली 0.15 इन 1000. वही हो रहा है ना? ओके, सी, चाइल्डहुड कैंसर परसेंटेज इज 0.15 in 1000 बेबीज. रोमैटिक फीवर चाइल्डहुड 0.32 टू 0.054. चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस 2 in every 1000 बेबीज. जुवेनाइल डायबिटीज 2 to 2.5 in 1000 बेबीज. कॉन्जेनिटल हार्ट डिसऑर्डर्स 4.2 in every 1000 बेबीज. ओके, एंड चाइल्डहुड अस्थमा इज अबाउट 23 to 116 in 1000 बेबीज. दीज आर द परसेंटेजेस. बट इफ यू लुक इन टू दिस परसेंटेजेस एंड यू लुक इन टू द परसेंटेज ऑफ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, that's a far difference. Okay, so setting the context, prevalence of language delay in children is more. 3 to 7 years mein jo iska percentage hai 2 to 19%. See, these are all the developmental issues. Bachche mein jo language issue hai, so that is about 2 to 19%. In Indian studies it says that below less than 3 years
16 to 20% मेल टू फीमेल रेशियो इज देयर. सो मेल टू फीमेल रेशियो इज 3:1. ओके, देन एसोसिएटेड को मॉर्बिडिटीज विल बी देयर, इंटेलेक्चुअल डिले, ऑटिज्म एक्सेट्रा. 50% ऑफ लैंग्वेज डिलेड चिल्ड्रन. यू लुक एट द परसेंटेज, जो बाकी जो डिसीज है और डेवलपमेंटल इश्यू का जो परसेंटेज है दैट इज वेरी हाई. ओके, सिमिलरली दीज आर सम ऑफ द इंसिडेंसेस. सो इन कंपेरिजन विद दिस लुक एट द डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज. नाउ स्पीच डिले इज 25 इन एवरी 1000 बेबीज, फॉर हाई. आपका जो है रूमेटिक हार्ट डिसीज है, ट्यूबरक्लोसिस है, बहुत ज़्यादा है. ADHD 50 to 100 इन एवरी 1000 बेबीज. स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी 20 to 60%. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन एक्सेट्रा, 7 इन एवरी 1000 बेबीज. सेरेब्रल पाल्सी 3.6 इन 1000 बेबीज. ऑटिज्म एंड ASD 14 इन एवरी 1000 बेबीज. हियरिंग एंड विजन इम्पेयरमेंट्स 1.4 इन एवरी 1000 बेबीज. सो व्हाट डू यू थिंक, कंपेयर टू द अदर डिसऑर्डर्स, डेवलपमेंटल इश्यू इज ए बिग प्रॉब्लम. ठीक है, जो मोर कॉमन है जो चाइल्डहुड प्रैक्टिस में, ये वाला डेवलपमेंटल इश्यू है. सो देयरफॉर वी नीड टू गिव मोर फोकस ऑन द डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स. ओके, नाउ कम टू दिस पार्ट, स्पीच. मेनी पोर्शन रिगार्डिंग द स्पीच, एस्पेशली एफेसिया, जो स्पीच का जो एफेसिया वाला पार्ट है, वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया इज नथिंग बट दिस इज ए जनरल टर्म विच इज यूज फॉर द डिसऑर्डर्स दैट इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन लर्निंग टू रीड और इंटरप्रेट द वर्ड्स, लेटर्स और द सिम्बल्स. तो यहाँ पे क्या होता है, देर इज अ डिफिकल्टी फॉर द चाइल्ड इन इंटरप्रिटेशन ऑफ, और डिफिकल्टी इन लर्निंग टू रीड. कैसे पढ़ना है उसको समझ में नहीं आता है, पढ़ने में उसको दिक्कत है, वो लेटर्स सब उसका समझ में नहीं आता. एंड ऑल्सो रीड एंड ऑल्सो इंटरप्रिट, जो उसने पढ़ा है उसको कैसे समझना है, ये भी उसको प्रॉब्लम है. इंटरप्रेट द वर्ड्स, ठीक है, ये वर्ड अगर सपोज कोई वर्ड है हॉस्पिटल है, तो HOSPITAL, ये सब वर्ड को अलाइन करके जो है वो वर्ड बनाने में भी उसको प्रॉब्लम है. ओके, एंड लेटर्स एंड ऑल्सो सिम्बल्स, सिम्बल्स ऑल्सो अपवर्ड डाउनवर्ड, सो ही कैनॉट आइडेंटिफाई. दिस इज द प्रॉब्लम इन डिसलेक्सिया. ओके, डिटेल्स विल सी लेटर. अनदर टर्म इज अप्राक्सिया. व्हाट डू मीन बाय अप्राक्सिया? इट इज डिफिकल्टी इन डूइंग द स्किल्ड मूवमेंट, डिफिकल्टी इन डूइंग स्किल्ड मूवमेंट ऑफ द बॉडी. एंड स्पीच इज ऑल्सो वन ऑफ द स्किल्ड मूवमेंट, स्पीच भी एक स्किल्ड मूवमेंट है. सो ही इज ऑल्सो हैविंग प्रॉब्लम इन द स्पीच. सो चाइल्ड विद अप्रैक्सिया विल हैव डिफिकल्टी इन डूइंग एनी स्किल्ड मूवमेंट. वट इज स्किल्ड मूवमेंट? ये इसके जो है सुई के अंदर जो है धागा डालना है, सो दिस इज स्किल्ड मूवमेंट है. ठीक है, और मे बी होल्डिंग द पेन एंड राइटिंग, दिस इज अ स्किल्ड मूवमेंट. ओके, सो ही विल हैव द प्रॉब्लम्स इन स्किल्ड मूवमेंट. मीन टाइम इज ऑल्सो हैविंग प्रॉब्लम इन स्किल्ड मूवमेंट लाइक स्पीच ऑल्सो. अनदर वर्ड इज एग्राफिया. एग्राफिया, व्हाट डू यू मीन बाय एग्राफिया? दिस इज इनएबिलिटी टू राइट. ही कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग बट लिखने में उसको दिक्कत है, एग्राफिया. डिसग्राफिया, अनदर इज डिसग्राफिया. डिफिकल्टीज विद स्पेलिंग एंड और ट्रबल पुटिंग थॉट्स, ट्रबल इन पुटिंग द थॉट्स ऑन द पेपर. सो स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, स्पेलिंग इधर उधर हो जाता है. ठीक है, सो देन ऑल्सो पुटिंग द थॉट्स इन द पेपर, लिखने में दिक्कत है उसको, जो सोचता है उसको नीचे लिखने में, पेपर में लिखने में दिक्कत है. देन व्हाट यू मीन बाय एफोनिया? एफोनिया इज डिक्रीज और नो वॉल्यूम ऑफ द स्पोकन वर्ड. सो बात कर रहा है बट उसमें कोई वॉइस क्वालिटी नहीं है, एफोनिया. बहुत धीरे से या वो जो है हॉर्स साउंड है, और वो जो ओरिजिनल जो फोनिसिटी है वॉइस का, दैट इज नॉट दैट. ओके, सो ही इज टॉकिंग लाइक दिस. सो इस तरीके से उसका होगा. ठीक है, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है? सो दिस इज फोनिक प्रॉब्लम. सो लेस फोन है उसमें, फोनिसिटी नहीं. नाउ कम टू अनदर इशू, दैट इज स्पीच. ओके, स्पीच डिले इज डायग्नोस्ड व्हेन द चाइल्ड डज अटेन द डेवलपमेंटल माइलस्टोन फॉर द स्पीच एट द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर द एज. सो व्हेन एक्चुअली द स्पीच डिले इज डायग्नोस्ड एट द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द क्रोनोलॉजिकल एज फॉर द स्पीच डेवलपमेंट, व्हाट काश्यप सेज इज तत्र संवत्सरात् ऊर्ध्वं
प्रतिष्ठति वाचंच प्रसृजति, एक साल में जो है बच्चा बात करना शुरू कर देना चाहिए। संवत्सराद् ऊर्ध्वं वाचंच प्रसृजति, ठीक है। सो स्पीच डिले इज डायग्नोस्ड व्हेन अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल एज चाइल्ड इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दी सॉरी नॉट एबल टू डेवलप द स्पीच। नाउ स्पीच मे बी इन द स्पोकन फॉर्म और ऑल्सो कॉल्ड एज वर्बल फॉर्म और स्पीच मे बी इन द स्पोकन और वर्बल पार्ट ऑफ द ओवरऑल कम्युनिकेशन, दैट मीन्स स्पीच मे बी वर्बल और समटाइम नॉन वर्बल ऑल्सो, दैट विल डिस्कस। ओके, नाउ स्पीच इज ओनली वन पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। नाउ वी हैव गॉट अ ब्रॉड टर्म विच इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, नाउ थ्री वर्ड्स यू हैव टू आइडेंटिफाई वेरी क्लियरली, वन इज कम्युनिकेशन, another one is language and another one is speech. These three are different. Communication alag hai, language alag hai, speech alag hai, theek hai. So for the communication we have got many roots, theek hai, verbal communication, non verbal communication, body language, so bahut sari cheez hai that we will discuss, but these three words are different. Now first we will look into the speech. The speech is the only motor part of the communication. कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत सारे चीज़ चाहिए, उसमें जो मोटर पार्ट है उसी को हम स्पीच बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ, मेरा मन में कुछ है, मैं बोलना चाहता हूँ, तो बोलने के लिए मुझे स्पीच की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो क्या है, सिर्फ मोटर पार्ट है। ओके, इन द कम्युनिकेशन स्पीच इज ओनली द मोटर पार्ट एंड कॉम्प्रहेंशन और अंडरस्टैंडिंग इज अनदर पार्ट। ये तो हमें पता है, वार्निक्स एरिया का जो काम है, कॉम्प्रहेंशन and understanding is another part. So for the communication two things are needed, one is speech and another one is comprehension, both is required. Okay, sometimes child is using the sign language to answer. Kabhi kabhi kya hota ki child knows everything but wo answer karne ke liye he used a sign language. For example, bacche se aapne pucha 1 plus 1 kitna hai, usko bolna chahiye 2, usne aise bol diya. Okay, maybe some problem in motor parts. Okay, so communication includes both. Communication includes speech, communication includes comprehension, and now communication can be of again two types. One is expressive and another one is receptive. Communication किसी से आप कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, एक expressive है एक receptive. What do you mean by expressive? That is what people express, say comments, sharing, describing, verbally or non-verbal. ठीक है, आप express कर रहे हैं। जब मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ या तो मैं वर्बली एक्सप्रेस कर रहा हूँ या तो नॉर्मली वर्बली एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, बोथ आर पॉसिबल। रिसेप्टिव कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट पीपल अंडरस्टैंड ऑफ व्हाट इज एक्सप्रेस बाय अदर्स, वर्बली और नॉन वर्बली। दूसरों लोगों ने जो बोले हैं, ठीक है, जो उपन्यास दिए है जो भी है उसको कितना समझे हैं, वो हो गया आपका रिसेप्टिव। ओके, दिस इज रिसेप्टिव। और आपने जो बोला है वो परसेप्टिव है और एक्सप्रेसिव है। ओके, बोथ आर ऑफ टू टाइप्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल। मतलब रिसेप्टिव में जो है नॉन वर्बल कैसे हो गया, दूसरे लोगों ने जो इशारा करके दिखाया उसको आपने समझ लिया, दूसरे लोगों ने जो बोला उसको भी आपने समझ लिया, वो हो गया आपका वर्बल, ठीक है। दूसरे लोगों के इशारों को भी आपने समझ लिया, दैट इज नॉन वर्बल रिसेप्टिव। एनीवे, नाउ कम टू दैट इन डिटेल अबाउट द कम्युनिकेशन। What actually communication means? Communication, this is the exchange of ideas. Communications means totally ideas exchange होना चाहिए। आपका मन में जो है वो दूसरों को पता चलना चाहिए या दूसरा मन का मन में जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। That is called as communication. It is a communication is nothing but exchange of information, thoughts and the feeling between the sender and receiver. ठीक है, so जब मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसका मतलब है कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा, दिस इज अ कम्युनिकेशन, ठीक है। सो इट डज नॉट रिक्वायर द लैंग्वेज और स्पीच। एक्चुअली कम्युनिकेशन एक्चुअली डज नॉट रिक्वायर द लैंग्वेज और स्पीच, इट रिक्वायर्स जस्ट ए इंटेंशन, दैट्स ऑल। मतलब ब्रॉड टर्म में हम बताएंगे कम्युनिकेशन करने के लिए कभी कभी बिना बात किए बिना कुछ बोले तो भी है एक दूसरे के मन में क्या है वो समझ में आता है सबको,
कम्युनिकेशन ऑलवेज डोंट नीड लैंग्वेज एंड स्पीच. अगर मैं चुप बैठता हूँ तो बहुत सारी चीज़ जो है उसी से आपको समझ में आ गया, ठीक है. तो बाकी जो है आपको तो एक्सपीरियंस है, टीनेज में जो है कम्युनिकेशन तो वैसे ही बिना बोलने की ज़रूरत नहीं है वैसे ही हो जाता है, ठीक है. सो मेनी थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड विदाउट स्पीच एंड विदाउट लैंग्वेज, बट स्टिल देर इज ए कम्युनिकेशन. क्या है वो अंक लड़ गया, क्या क्या बोलते हैं उसको, नैनों का लड़ाई, क्या 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 बोलते हैं ना, ठीक है वो जो भी है. सो इट डज नॉट रिक्वायर द लैंग्वेज और स्पीच, इट रिक्वायर्स द इंटेंशन. क्योंकि इंटेंशन होना चाहिए तभी भी हो सकता है. सो दिस कम्युनिकेशन इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज, बाकी स्पीसीज में भी है. नाउ कम्युनिकेशन इज सेंट्रल टू ए चाइल्ड बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड टू द पर्सनल डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन एंड लर्निंग डिसिप्लिन. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन बच्चे के लिए एक सेंटर का जैसा काम करता है, बिकॉज इफ द कम्युनिकेशन इज गुड देन द पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज गुड. इफ द चाइल्ड इज एबल टू कम्युनिकेट गुड देन देर विल बी सोशल इंटरेक्शंस, ओके. एंड इफ द चाइल्ड इज एबल टू कम्युनिकेट देन ही कैन लर्न सो मेनी थिंग्स एंड देर इज नो एनी लर्निंग डिसेबिलिटीज एक्सेट्रा. एंड इफ द कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड ऑल द थ्री आर गेट अफेक्टेड, उसका पर्सनल, सोशल एंड एज वेल एज लर्निंग पार्ट जो है तीनों अफेक्ट हो जाए, ओके. नाउ व्हाट आर द वेज ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं एनीबडी अपार्ट फ्रॉम स्पीच? यस, गेस्चर, गेस्चर से, ठीक है. कैसे आप बैठे हैं जो भी है आपका गेस्चर से इट कम्युनिकेट्स मेनी थिंग्स, ठीक है. सो मैं ये वाला गेस्चर में बैठा हूँ तो इट कम्युनिकेट मेनी थिंग्स, मैं क्या करने वाला हूँ अभी, ठीक है. तो नेक्स्ट गेस्चर, पोस्चर, देन फेशियल एक्सप्रेशन, देन कम्स आई कॉन्टैक्ट, हेड एंड बॉडी मूवमेंट्स एंड सम ऑफ द वोकलाइजेशन. सो दीज आर सम ऑफ द वेज ऑफ कम्युनिकेशन अलॉन्ग विद द वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल तो है ही है एंड देर आर मेनी थिंग्स. नाउ कम्युनिकेशन हैज गॉट टू मेजर कॉम्पोनेंट, कम्युनिकेशन हैज गॉट टू मेजर कॉम्पोनेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज. कम्युनिकेशन इज बेसिकली टू टाइप्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल. ये तो हो गया, ठीक है. नॉन वर्बल तो हमारे पास है. नाउ यू टॉक अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन, अगेन इट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज दैट मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन इट रिक्वायर्स टू इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स, ओके. वट इज दैट? स्पीच एंड एज वेल एज लैंग्वेज. ओके, कम्युनिकेशन हैज गॉट टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, वन इज स्पीच एंड एज वेल एज लैंग्वेज. लैंग्वेज में भी ए साइन लैंग्वेज और ए रिटन लैंग्वेज. लैंग्वेज में भी, लैंग्वेज का मतलब भाषा, ठीक है, भाषा. सो भाषा जो है वो साइन लैंग्वेज हो सकता है या रिटन लैंग्वेज हो सकता है, ओके. वाइल स्पीच मीन्स ओनली द ओरल लैंग्वेज. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड स्पीच. लैंग्वेज में भी ए रिटन लैंग्वेज और इट में भी ए साइन लैंग्वेज. ट्रैफिक लाइट्स में क्या होता है? साइन लैंग्वेज. ट्रैफिक रूल्स साइन लैंग्वेज, ठीक है. ऐसा किया तो क्या करना है, ऐसा किया तो क्या करना है, ऐसा है तो क्या है, ब्रिज है तो क्या है. सो सब साइन लैंग्वेज है. और इट में भी इवन द रिटन लैंग्वेज ऑल्सो, बुक्स है, नॉवेल्स है. बट व्हाट यू मीन बाय स्पीच? स्पीच इज ओनली द ओरल पार्ट दैट आई टोल्ड इन द बिगिनिंग, ओनली द मोटर पार्ट, ठीक है. एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन का सिर्फ एक जो मोटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज स्पीच, ओके. तो स्पीच मीन्स ओनली द ओरल लैंग्वेज. द ओवरलैप बिटवीन द लैंग्वेज एंड द स्पीच इज द स्पोकन लैंग्वेज. स्पोकन लैंग्वेज का मतलब क्या है? इट इज अ ओवरलैप बिटवीन द लैंग्वेज एंड स्पीच. क्योंकि स्पोकन लैंग्वेज, मैं कुछ बुक से कुछ पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे लैंग्वेज भी काम में आ गया और मैं कुछ बोल भी रहा हूँ, ओके. सो लैंग्वेज भी है. अगर कोई बुक्स में मैं पढ़ रहा हूँ तो वो लैंग्वेज है, और उसको मैं बोल के बता रहा हूँ तो ये हो गया स्पोकन लैंग्वेज, ओके. स्पोकन वो कौन सा इंग्लिश स्पोकन कोर्स है ना, एक रैपिड एक्स spoken English, okay. Language. Now, what actually mean by language? Language is a code-based system. अब भाषा क्या है? It's a code-based system.
which has been created to communicate more effectively and understood by the particular group of individuals. अब मराठी भाषा अलग है, मलयालम भाषा अलग है, हिंदी भाषा अलग है, कन्नड़ भाषा अलग है, ठीक है. सो लैंग्वेज अलग अलग है. सो वॉट एक्चुअली मीन्स बाई लैंग्वेज, लैंग्वेज हैज बीन क्रिएटेड टू कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली, ओके, एंड अंडरस्टैंड एंड टू अंडरस्टूड बाई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. वेन वी टॉक इन मलयालम विद ए मलयालम नोइंग पर्सन, ही कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. एंड वेन यू टॉक मलयालम विद ए हिंदी नोइंग पर्सन, सो एक्सचेंज ऑफ और कम्युनिकेशन में नॉट बी सो गुड. तो भाषा इसलिए बताया कि इट हैज बीन क्रिएटेड टू कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली, ठीक है. सो मोर इफेक्टिवली. एंड फॉर द एनिमल्स उसका भाषा अलग है, पक्षियों का भाषा अलग है, तो वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं. हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि हमें वो भाषा पता नहीं. ओके, सो दिस इज ए रूल बेस्ड सिस्टम. एक्चुअली दिस इज ए रूल बेस्ड सिस्टम एंड दिस इज ए यूनिक टूल विच इज क्रिएटेड बाई अस, which has been revolutionized in the evolution of the man. तो भाषा कौन क्रिएट किया? हमीन क्रिएट किया, ठीक है. शिलायुग में जो भाषा अलग था, अभी जो भाषा अलग हो गए, ठीक है. 100 साल पहले भाषा का जो स्टैंडर्ड अलग था, अभी भाषा अभी हिंदी में भी बहुत सारी इंग्लिश आ गए, है ना. कन्नड़ में तो कन्नड़ गायब है, पूरा इंग्लिश वर्ड ही है, ठीक है. कैन एनीबडी हिंदी में एक दो सेंटेंस स्पष्ट रूप से कोई बोल सकते क्या? नहीं, बहुत सारे इंग्लिश घुस जाता है. तो भाषा में चेंज होता रहता है, ठीक है. हम ही ने बनाया ये भाषा को. एनीवे, नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द लैंग्वेज और भाषा? सो एक्सप्रेसिव, वन कंपोनेंट इज एक्सप्रेसिव और स्पोकन लाइक फेशियल एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन से आप बहुत सारी चीज बताते हैं, ठीक है. फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट. अनदर वन इज रिसेप्टिव, व्हाट इज अंडरस्टूड अगेन बाय फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट. सो लैंग्वेज एक्सप्रेसिव हो सकता है, रिसेप्टिव हो सकता है, दिस वी हैव सीन. नाउ व्हाट इज स्पीच? इट कैन बी डिफाइंड एज ए न्यूरोमस्कुलर एक्ट. स्पीच इज नथिंग बट ए न्यूरोमस्कुलर एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द साउंड्स दैट आर मीनिंगफुल. स्पीच मतलब बोल, लैंग्वेज मतलब भाषा, कम्युनिकेशन मतलब संवहनन, है ना. क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? संपर्क, संवाद, ठीक है. सो नाउ दिस इज स्पीच इज जस्ट ए ओरो मस्कुलर और न्यूरोमस्कुलर एक्ट विच प्रोड्यूस सम ऑफ द साउंड्स, बट ओनली थिंग इज दैट साउंड शुड बी मीनिंगफुल. अगर वो मीनिंगफुल नहीं है तो किसी को कोई समझ में नहीं आएगा, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा. ओके, सो दिस इज जस्ट ए ओरल एक्सप्रेशन ऑफ द लैंग्वेज. हमने लैंग्वेज जो भाषा है, भाषा को तो आप स्पीच के बिना भी आप समझ सकते हो, है ना. साइलेंटली पढ़ सकते हैं ना कोई नोवेल को, या जोर से बोलना पड़ेगा नोवेल्स को पढ़ने उतना ही, साइलेंटली भी पढ़ सकते हैं. मतलब विदाउट स्पीच भी जो है हम लैंग्वेज को तो समझ रहे हैं, ठीक है. अगर उसी लैंग्वेज को बोलना पड़े तो हमें स्पीच की जरूरत है. सो देयरफॉर ही सेज दिस इज जस्ट ए ओरल एक्सप्रेशन ऑफ द लैंग्वेज. Oral expression of the language. It requires the neurological control of sound-producing apparatus. जब बोलने की जरूरत पड़े, स्पीच करना है, स्पीच देना है, तो वहाँ पर जो है आपको neurological control of sound-producing apparatus चाहिए. Okay? So we need to connect two words. ठीक है. I want to say hospital. तो hospital, चार पांच word को जो है इकट्ठा करना है मुझे, ठीक है. उसके बाद वो स्पीच आ जाएगा. तो इकट्ठा तो करना है, न्यूरोलॉजिकल है, ठीक है. और उसके बाद कोऑर्डिनेशन भी होना है, उसका फाइन ट्यूनिंग भी होना है, ठीक है. तो वर्ड का एक एक्सेंट है ना कि हॉस्पिटल, ऐसा नहीं बोलता हॉस्पिटल, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ मैं, हॉस्पिटल ही बोलना है मुझे. तो उसका फाइन कंट्रोल भी है, उसी एक्सेंट में आना है वो, ठीक है. पर्टिकुलर वर्ड जो है, शुरू का वर्ड कौन सा एक्सेंट में आएगा, नेक्स्ट वर्ड कैसे आएगा, तो ये भी है. सो दिस ऑल इंक्लूड स्पीच. ओके, नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द स्पीच? स्पीच व्हेन यू टॉक देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स. नंबर वन इज आर्टिकुलेशन, नंबर टू इज वॉइस, एंड नंबर थ्री इज फ्लुएंसी. सो दीज थ्री थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन द स्पीच. आर्टिकुलेशन, दो शब्दों को, दो लेटर्स को, उसके बाद दो शब्दों को और उसके बाद दो सेंटेंस को आपको कनेक्ट करना है, दैट्स आर्टिकुलेशन. ओके, सो फर्स्ट कनेक्ट टू वर्ड्स, ठीक है.
टू वर्ड्स को कनेक्ट करना है या तीन वर्ड को कनेक्ट करके एक शब्द बनाना है, उसके बाद शब्दों को कनेक्ट करना है. सो दिस इज प्रोडक्शन ऑफ दिस साउंड. ओके, शब्द जो है दैट इज बिकॉज ऑफ द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन. ओके, मिड ब्रेन से बहुत सारे टेलर नर्व्स आता है, पता है आपको, देख सप्लाइज टू द ओरल कैविटी, फरिंजल मसल्स, लैरिंजल मसल्स, टंग मसल्स, पैलेटल मसल्स. ओके, सो दे ऑल हेल्प्स टू प्रोड्यूस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स. ठीक है, कौन सा है वो संस्कृत में, कौन सा सूत्र है, माहेश्वर सूत्र हो गया. उसके बाद आप बाह्य प्रयत्न एंड आभ्यंतर प्रयत्न. ठीक है, रा शब्द अगर प्रोड्यूस होना है तो रा का ला. सो ये जो जो शब्द प्रोड्यूस होता है उसमें एक में जो है पैलेट को टंग टच करना है. सो मैं वही है ना, बाह्य प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न वाला जो सूत्र है. सो देयरफॉर आर्टिकुलेशन इज इंपॉर्टेंट बिटवीन द मस्कुलर मूवमेंट्स. सो एक बार आर्टिकुलेशन भी होना है, नेक्स्ट वॉइस. शब्दों का आर्टिकुलेशन हो रहा है, नेक्स्ट चाहिए वॉइस. वॉइस इज मॉड्यूलेशन फॉर द मॉड्यूलेशन एंड एज वेल एज फॉर द क्वालिटी. ठीक है, अगर वॉइस नहीं है तो मैं जो बोलना चाहता हूँ वो आएगा नहीं, है ना. ठीक है, महेश्वर अगर बोलना है, वॉइस नहीं है तो कैसे बोलूँगा मैं, मेरा आर्टिकुलेशन सही है, ऐसे बोलूँगा मैं महेश्वर. ठीक है, वॉइस तो आएगा नहीं. सो वी नीड वॉइस. वॉइस इज प्रोड्यूस फ्रॉम द लैरिंग्स, वी नो दैट. सो नाउ लैरिंजियल मसल्स हैज टू बी प्रॉपर. ओके, सो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व दैट सप्लाइज. सो सेकंड पॉइंट इज वॉइस. थर्ड वन इज फ्लुएंसी, स्मूथ फॉरवर्ड फ्लो ऑफ द वॉइस. फ्लुएंसी होना चाहिए. ओके, सो देर शुड नॉट बी एन इंटरप्शन, डिस्टर्बेंस, पॉसेस एक्सेट्रा. अगर पॉसेस है तो उसका मतलब क्या है, फ्लुएंसी में प्रॉब्लम है. फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट ऑफ स्टटरिंग, ठीक है, और स्टैमरिंग और स्टटरिंग का पेशेंट है, उसका पास फ्लुएंसी नहीं है, ही हैज गॉट द प्रॉब्लम विद द फ्लुएंसी. ओके, मेरा नाम ऐसे बोलेगा, फ्लुएंसी नहीं है. ओके, सो नाउ दीज थ्री थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन द स्पीच. वन इज आर्टिकुलेशन, वॉइस एंड फ्लुएंसी, एंड ऑल द थ्री कैन कॉज द डिसऑर्डर्स. जो भी किसी में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो इट लीड्स टू सम ऑफ द प्रॉब्लम्स. ओके, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम दैट लीड्स टू डिसआर्थ्रिया. ओके, आर्थ्रिया, डिसआर्थ्रिया मीन्स प्रॉब्लम विद द आर्टिकुलेशन. दो शब्दों के बीच में आर्टिकुलेशन नहीं हो रहा है. ठीक है, मैं रा, आर्टिकुलेशन नहीं है. ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है वो. सो दिस इज आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम, डिसआर्थ्रिया. वॉइस का प्रॉब्लम इज एफोनिया, वी हैव सीन देर इज नो वॉइस एट ऑल. एंड फ्लुएंसी एग्जाम्पल इज स्टैमरिंग एंड स्टटरिंग. ओके, नाउ प्री रिक्वेस्ट फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट. लैंग्वेज डेवलपमेंट होने के लिए क्या क्या चाहिए. सो एज वी डिस्कस अर्लियर, हियरिंग एंड विजन, दिस आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, है ना, कि दिस आर द टू इनपुट्स, सेंसरी इनपुट्स जो है वर्निक्स एरिया के लिए जो आता है, एक तो हियरिंग से आता है और एक तो विजन से आता है. ओके, एंड लिसनिंग, वन इज हियरिंग एंड विजन होगी. नेक्स्ट लिसनिंग, यू हैव टू लिसन टू अदर्स ऑल्सो. ठीक है, दूसरों को सुनना भी चाहिए, वो अटेंशन भी चाहिए सुनने का. इन अटेंशन है हम दूसरों को सुन ही नहीं पाते हैं तो अंदर कैसे जाएगा, और किसी चीज़ को देख ही नहीं पाते, अटेंशन नहीं है हमारा, तो नॉलेज अंदर नहीं जाएगा. सो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, लिसनिंग, और दैट इज अटेंशन एंड इंटेंट. थर्ड वन इज कोडिंग एंड डीकोडिंग. लैंग्वेज कैसे डेवलपमेंट होता है, एक तो हियरिंग एंड विजन चाहिए शुरू में इनपुट के लिए, उसके बाद अटेंशन चाहिए, लिसनिंग चाहिए, देन कोडिंग एंड डीकोडिंग. व्हाट यू मीन बाय कोडिंग एंड डीकोडिंग, दैट इज इंटेग्रेशन एंड प्रोसेसिंग. इंटेग्रेशन एंड प्रोसेसिंग दैट इज सेम, आपने वर्निक्स एरिया से नॉलेज मिला आपको, उसके बाद वो अंदर गया वर्निक्स एरिया से, जो है आर्कुएट फाइबर से जो है वो, सॉरी, उसके बाद जो है मेंटल डिक्शनरी के पास गया, वहाँ से कन्फर्म हो गया, कन्फर्म होने के बाद आर्कुएट फाइबर्स में जो है ब्रोकास एरिया में गया, ब्रोकास से पहले उसने कॉर्टेक्स में गया, कॉर्टेक्स में जाके कुछ किया, उसके बाद ब्रोकास एरिया के थ्रू स्पोकन वर्ड आ गया. ओके, सो नाउ दिस इज कोडिंग एंड डीकोडिंग जो हुआ है. कोडिंग कहाँ से, सेंसरी कॉर्टेक्स ने कोडिंग दिया, और उसको डीकोड कौन ने किया, ब्रोकास एरिया ने किया. ओके, सो नेक्स्ट वोकलाइजेशन एंड आर्टिकुलेशन. वोकलाइजेशन एंड एज वेल एज आर्टिकुलेशन. नाउ कम्स वोकलाइजेशन.
वॉइस प्रोड्यूस करना है. ओके, फॉर दैट यू नीड द ओरल मसल्स. अगेन वी हैव सीन दैट डायफ्राम, लैरिंग्स एंड अदर ओरल मसल्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो कम्युनिकेशन मीन्स इट इज समथिंग विच इज मोर देन जस्ट स्पीच. अभी समझ में आ गया होगा. स्पीच तो एक एक्सप्रेशन करने का तरीका है, बट कम्युनिकेशन का मतलब उससे बहुत ज़्यादा है. सो डिसऑर्डर्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिसऑर्डर्स ऑफ लैंग्वेज, डिसऑर्डर्स ऑफ स्पीच, देर आर डिफरेंट. ओके, कम्युनिकेशन मे बी एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव टाइप, एंड एक्सप्रेसिव मे बी वर्बल और नॉन वर्बल. एक्सप्रेसिव वर्बल इज जस्ट लाइक ओरल स्पीकिंग, लिसनिंग, वाइल एक्सप्रेसिव नॉन वर्बल इज राइटिंग, रीडिंग एक्सेट्रा. हमने बताया था क्या है, एक्सप्रेशन आप करना चाहते हैं, या तो ओरली बोल सकते ना कि आई लव यू बोल के, और दूसरा लेटर लिख कर भेजेंगे किसी से. सो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज आइदर ओरल और रिटन लैंग्वेज, बोथ. ओके, सो रिसेप्टिव इज अगेन नॉन वर्बल एंड वर्बल. सो रिसेप्टिव आपको समझ में आ गया, ठीक है, रिसेप्टिव यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वॉट अदर्स आर टेलिंग, दूसरा लोग जो बोल रहे हैं उसको आप समझ रहे हो, रिसेप्शन, ठीक है. तो ये भी ओरल वर्बल हो सकता है या नॉन वर्बल हो सकता है. ओके, वर्बल तो आपको पता है, नॉन वर्बल कौन सा है? नॉन वर्बल लाइक पॉइंटिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल घड़ी कहाँ है, ठीक है. सो आपने जो पूछा वो मुझे समझ में आ गया, ठीक है. मैंने क्या वर्बली उसका आंसर नहीं दिया, नॉन वर्बली दिया, ठीक है. पॉइंटिंग द ऑब्जेक्ट्स, देन फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स एक्सेट्रा. ओके, यस, नाउ कम टू दिस पॉइंट, स्पीच डिले वर्सेस कम्युनिकेशन डिले. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीच डिले एंड कम्युनिकेशन डिले? सो एक्चुअली स्पीच डिले इज डिफरेंट फ्रॉम द कम्युनिकेशन डिले. स्पीच इज वन पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, मेक इट वेरी क्लियर. ओके, जो स्पीच एंड कम्युनिकेशन इज क्लोजली लिंक्ड विद अदर एरियाज ऑफ द डेवलपमेंट. नाउ स्पीच एंड डेवलपमेंट इज डिफरेंट, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि स्पीच एंड कम्युनिकेशन, ऑल दो दे आर डिफरेंट, दे आर रिलेटेड टू मेनी एस्पेक्ट्स, बहुत सारी चीज के लिए वो रिलेटेड है. अगर आपका स्पीच ठीक नहीं है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, देन देर मे बी सो मेनी प्रॉब्लम्स लाइक दिस. देर विल बी प्रॉब्लम विद द कॉग्निशन एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. देर विल बी प्रॉब्लम इन अटेंशन, देर विल बी, इसको पहले भी हम देख चुके हैं, प्रॉब्लम इन द सोशल स्किल्स, प्लेइंग, प्रॉब्लम इन एकेडमिक्स एंड प्रॉब्लम इन मोटार स्किल्स. हाउ दैट विल सी. ओके, नाउ व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करने का प्रोसेस क्या है? इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन वी हैव थ्री फेसेस, सेम कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड स्पीच, ठीक है. कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड स्पीच, ऑल द थ्री आर एक्चुअली द वे ऑफ कम्युनिकेशन ओनली, बट दे आर डिफरेंट, ईच स्टेप इज डिफरेंट. ओके, नाउ कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज बिटवीन द टू पीपल विच इज मीनिंगफुल. फॉर एग्जाम्पल पर्सन इज एंटरिंग इनसाइड द रूम, एक आदमी जो है रूम के अंदर आ रहा है, यू आर जस्ट स्माइलिंग, आप स्माइल कर, माई एक्सप्रेशन मे बी वेलकमिंग और नॉन वेलकमिंग, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कोई आ रहा है, ये वेलकमिंग भी हो सकता है और नॉन वेलकम भी हो सकता है. सो अगेन इट्स डिपेंड्स अपॉन द कम्युनिकेशन, डिपेंड्स अपॉन द, यस, knowledge between the two people which is meaningful. Now in a class a teacher is teaching, bahut boring subject hai, communication bahut boring subject hai, and the student starts murmuring, yeah, students start sleeping, yawning. Now without any communication teacher come to know that what is happening, koi communication nahi, mane oral wordings nahi hua, कोई लैंग्वेज का यूज़ नहीं हुआ, फिर भी जो है हमें पता चल गया कम्युनिकेशन तो हो गया. सो दिस आर ऑल नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस. व्हेन दिस एक्सप्रेशन नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू अ लैंग्वेज, सपोज आपको बोर हो रहा है, आप बहुत सारे इशारा किया, आप यॉनिंग किए, ये किए, वो, फिर भी टीचर समझे नहीं है, अब टीचर को बोलना पड़ रहा है, सर बोर हो रहा है, अब तो बंद कर दो, ज़्यादा हो गया ज्ञान,
ठीक है. सो व्हेन दिस एक्सप्रेशन नीड्स टू बी गेट कन्वर्टेड इनटू द लैंग्वेज, जब ये जरूरत पड़ेगा, देन वी नीड ए सर्टन सेट ऑफ रूल्स विच कन्वर्ट यूर एक्सप्रेशन इनटू वर्ड्स. अब यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन को वर्ड में कन्वर्ट करना है. सो व्हेन आई से फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई से दिस इज एप्पल, ओके, एप्पल इन इंग्लिश मीन्स ए रेड फ्रूट एंड इट इज नॉट बनाना, इजंट इट. सो वो ये एप्पल है बोलने के लिए मुझे उसी वर्ड को यूज करना पड़ेगा. आई कैन नॉट यूज द वर्ड्स विच आर यूज फॉर द बनाना. सो देयरफॉर दे आर सेलिंग सेट ऑफ रूल्स विच कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इन टू वर्ड्स, दैट इज रिक्वायर्ड. सो वेन रूल्स और कोड इज असाइन टू द सर्टेन वर्ड्स, मे बी द एक्सप्रेसिव फॉर्म और द रिटर्न फॉर्म, देन इट बिकम ए लैंग्वेज. थोड़ा घुमा के बोल रहे हैं और कुछ नहीं. जो आप सोचते हैं अगर उसको एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो हमें कुछ वर्ड्स का जरूरत है, कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है. ओके नाउ स्पीच, स्पीच तो हम स्पीच के बारे में हमने बता दिया कि स्पीच इसका नेक्स्ट स्टेज क्या है, स्पीच है. ठीक है, सो लैंग्वेज हो गया, नेक्स्ट स्पीच. स्पीच इज अगेन ए वोरो मोटर पार्ट ऑफ द लैंग्वेज. सो कम्युनिकेशन, एक्सप्रेसिव, रिसेप्टिव, साइन लैंग्वेज, वर्बल, नॉन वर्बल, नाउ फॉर एग्जाम्पल ए चाइल्ड इज शोइंग द एम्प्टी कप टू से दैट लुक आई हैव फिनिश्ड द मिल्क. ये कौन सा लैंग्वेज है? मदर ने बच्चे को दूध पीने के लिए दिया था, बच्चे ने दूध पिया या गिराया पता नहीं है, उसने काली लोटा ऐसा रख दिया और मदर को दिखा रहे हो. सो व्हाट इज दिस लैंग्वेज? दिस इज वन ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिकॉज देर इज नो यूज ऑफ एनी लैंग्वेज, देर इज नो यूज ऑफ एनी स्पीच, बट स्टिल द नॉलेज इंफॉर्मेशन हैज बीन कन्वेड. ओके सो अदर फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल इज आई कॉन्टैक्ट, ये तो हम हो चुका है ऑलरेडी. ओके जॉइंट अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी अंडरस्टैंडिंग दिस, सी अप टू 8 months एक्चुअली चाइल्ड डू नॉट डेवलप एनी लैंग्वेज, इजंट इट. मोनोसिलेबल, बाईसिलेबल, ये सब तो बाद में शुरू होगा, और जॉइनिंग ऑफ द वर्ड्स, लेटर्स, ये सब सेकेंड ईयर के बाद शुरू होगा. ठीक है, तो टिल देन हाउ द बेबी कम्युनिकेट विद, हाउ द बेबी रिएक्ट विद द मदर, इट इज ओनली बाई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. समझ में आ रहा है? 8 महीने के बाद या 1 साल के बाद जो है बच्चा लैंग्वेज सीखेगा, और उसके बाद स्पीच कब सीखेगा? जब 5 साल होगा उसका स्पीच एक्चुअली कंप्लीट होगा. क्या इसका मतलब है 5 साल तक बच्चे ने कुछ मदर के साथ कम्युनिकेट ही नहीं किया? किया है. ओके सो देर इज नो स्पीच, देर इज नो लैंग्वेज, बट स्टिल चाइल्ड कंटिन्यू टू कम्युनिकेट विद द मदर. ओके सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. दिस कम्युनिकेशन इज प्रिफरेबली नॉन वर्बल. नॉन वर्बल सोशल स्माइल क्या है? स्पीच है और लैंग्वेज है, कुछ नहीं है, कम्युनिकेशन है. ओके चाइल्ड इज लिसनिंग द वर्ड्स ऑफ द मदर एंड गिविंग ए स्माइल, सोशल स्माइल. देर इज नो लैंग्वेज, देर इज नो स्पीच, ओनली कम्युनिकेशन. ओके सो इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, बेबीज डेवलपमेंट, इट इज कम्युनिकेशन विच इज इंपॉर्टेंट दैन द लैंग्वेज एंड स्पीच. सो लेटर चाइल्ड अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट दिस कम्युनिकेशन इन टू लैंग्वेज एंड इन टू स्पीच. ओके ओके नाउ वॉट आर द रेड फ्लैग्स ऑफ लैंग्वेज डिले. लैंग्वेज डिले हो गया, बहुत सारे मदर आके बोलेंगे बच्चा बात नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है. ठीक है, बहुत साल हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, एक भी शब्द नहीं बोल रहा है. सो एज ए फिजिशियन और पीडियाट्रिशियन, व्हाट इज द रेड फ्लैग्स? व्हेन यू हैव टू बी अलर्ट, कब आपको अलर्ट रहना है? ओके सो इफ देर इज नो बैबलिंग बाई 1 ईयर, व्हाट मीन बाई बैबलिंग? इसी को तो बैबलिंग बोलते हैं. ठीक है, सो बैबलिंग, देर इज नो बैबलिंग 1 ईयर, 1 ईयर तक बच्चे ने बैबलिंग भी नहीं किया. ठीक है, एंड इफ देर इज नो सिंगल मीनिंगफुल वर्ड्स बाई 18 मंथ, 18 महीने हो गया, 18 महीने बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है. ओके 1.5 ईयर, सो 1.5 ईयर हो गया और एक भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, एक भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं है,
यूजुअली अप टू 18 मंथ्स बेबी डू नॉट यूज मच मोर वर्ड्स, बहुत ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम वर्ड्स को यूज़ करता है, एंड वन वर्ड इज़ यूज्ड फॉर मेनी मीनिंग. ठीक है, ठीक है, अगर वो एक शब्द बोलता है तो उसमें जो है बहुत सारे मीनिंग है. अपूची ऐसा एक शब्द है, अपाची ऐसा कुछ जो भी है. सो अपाची मीन्स फॉर, वो अप्पा को भी बोलता है, फादर को भी बोलता है, ठीक है, और कोई और चीज़ को भी बोलता है, वो ग्लास को भी अपाची बोलता है. तो एक ही वर्ड को जो है वो बहुत ज़्यादा मीनिंग के लिए यूज़ करता है, बिकॉज उसके पास पॉसिटी ऑफ द वर्ड्स, उसका मेंटल डिक्शनरी में, मेंटल डिक्शनरी में वर्ड्स का स्टोरेज नहीं है अभी, इसलिए जो वर्ड है उसी को यूज़ करते हो. ओके, सो इफ देर इज़ नो सिंगल मीनिंगफुल वर्ड बाय 18 मंथ, 18 मंथ हो गया, एक भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बोल रहे, मम्मा पापा या कुछ भी नहीं है, देन वर्ड वोकैबुलरी ऑफ 15 to 20 वर्ड्स बाय 2 ईयर्स, बच्चे को 2 साल हो गया. ओके, टोटल अभी तक बच्चे के पास जो है 15 to 20 वर्ड्स नहीं है ही, ठीक है, एटलीस्ट एक 15 to 20 वर्ड्स होना चाहिए बाय द एंड ऑफ 2 ईयर्स उसका मेंटल डिक्शनरी में. एटलीस्ट ही हैज़ टू यूज डिफरेंट वर्ड्स, मम्मा पापा ऑफिस हो घर लोटा जो भी है, इस तरीके से अलग अलग वर्ड होना चाहिए. ठीक है, अगर 15 to 20 वर्ड्स 2 साल तक भी नहीं है, सो अगेन दिस इज अ रेड फ्लैग. नाउ नॉट जॉइनिंग द फ्रेसेस बाय 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर हो गया, 2 शब्दों को जॉइन नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल पापा ऑफिस गया, मम्मा आया, बाई आया, बाई गया, जो भी है 2 वर्ड हो गए. ठीक है, नाउ 2.5 ईयर्स हो गए बट स्टिल ही इज नॉट जॉइनिंग द 2 वर्ड्स. 2.5 ईयर हो गया अभी भी वो माँ माँ पा पा ऐसे बोल रहे हैं, सो दिस इज अगेन ए रेड फ्लैग. ओके, नाउ ओके, दिस आर द रेड फ्लैग्स. नाउ कम्युनिकेशन, व्हेन आई टोल्ड कम्युनिकेशन, व्हाट इज वन ऑफ द मेजर डिसीज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, ऑटिज्म. इन द ऑटिज्म इफ यू सी, वर्बल कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अफेक्टेड. ठीक है, आपने कोई इशारा बना के दिखाया तो भी उसको समझ में नहीं आ रहा है, बोल के दिखाया तो भी उसको समझ में नहीं आ रहा है. सो वन ऑफ द मेजर डिसीज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन इज ऑटिज्म. स्पीच डिसऑर्डर्स आर मेनी, हमने जो डिस्कशन किया ब्रोकास एरिया, वर्निक्स एरिया, ये है वो है, बट कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में सबसे मेजर कौन सा है, ऑटिज्म. ऑटिज्म इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स. द प्रॉब्लम इज द कम्युनिकेशन, बेबी इज नॉट एट ऑल कम्युनिकेटिंग विद यू. ठीक है, वो तो है अपना ही दुनिया में है, सेंसरी ब्लॉक है टोटल. ओके, सो ऑन अदर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स आर ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल. सो दिस इज द डिसऑर्डर्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, नाउ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स एज फॉर DSM-5 क्राइटेरिया, डिसीज. DSM का फुल फॉर्म क्या है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिक मैनुअल फॉर डिसऑर्डर्स ऑफ चिल्ड्रन. एम क्या है, मैनुअल, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिक मैनुअल, DSM-5. सो दिस सेज दैट कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में क्या क्या आता है. सो ही सेज दैट कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑटिज्म, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, स्पीच एंड साउंड डिसऑर्डर्स एंड फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स. ऑल द 4 आर एक्चुअली डिफरेंट बट दे कम अंडर कम्युनिकेशन ओनली. अगर मैं स्पीच करता हूँ वो भी एक कम्युनिकेशन ही है, लैंग्वेज वो भी एक कम्युनिकेशन ही है. ठीक है, देयरफॉर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू DSM इंक्लूडेड सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, स्पीच एंड साउंड डिसऑर्डर्स एंड फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स. ओके, डिसलेक्सिया इज वन ऑफ द लैंग्वेज डिसऑर्डर. डिसलेक्सिया में वो लैंग्वेज को सही से पढ़ नहीं पाता है, वर्ड सब इधर उधर हो जाता है उसको. ओके, स्पीच में बहुत सारे डिसऑर्डर्स है आपका, एफोनिया, डिसआर्थ्रिया, ये सब बहुत सारी चीज़ें. फ्लुएंसी डिसऑर्डर में स्टटरिंग है, स्टैमरिंग, सच थिंग्स वो ये फ्लुएंसी में स्टटरिंग, स्टैमरिंग एक्सेट्रा. ओके, सोशल कम्युनिकेशन में ऑटिज्म. ओके, लिटिल डिटेल अबाउट दैट, सेम थिंग सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स. इट लुक्स लाइक ऑटिज्म एंड सोशल मूवमेंट
एंड गेस्चर इज लेस बट द सेंसरी इश्यूज एंड रिपीटेटिव बिहेवियर इज दैट्स अ स्पेलिंग मिस्टेक विल बी देयर इट शुड बी विल बी देयर ओके सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स इट लुक्स लाइक ऑटिज्म ऑटिज्म इज बेस्ट एग्जाम्पल फॉर सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स ओके इट लुक्स लाइक सो दिस इज अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ओके सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हाउ इट हैज टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द ऑटिज्म सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स ऑल्सो लुक्स लाइक ऑटिज्म बट द सोशल मूवमेंट एंड गेस्चर इज लेस हियर बट देर इज नो अदर एनी सेंसरी इश्यूज रिपीटेटिव बिहेवियर विल नॉट बी देयर हाउ यू डिफरेंशिएट ऑटिज्म फ्रॉम द सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स ऑटिज्म में सेंसरी ब्लॉक है वर्बल कम्युनिकेशन गया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन गया है सब कुछ गया है बट ओनली जो सोशल कम्युनिकेशन में सोशली किसी से बात करने में मुझे प्रॉब्लम है तो वहाँ पे क्या होगा सोशल मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा किसी के साथ मिलजुल के नहीं जाता है और दूसरा गेस्चर थोड़ा कम है उसका बट बाकी कोई सेंसरी इशू नहीं है ऐसा नहीं है कि आप जो बोल रहे हो उसको समझ में नहीं आ रहे समझ में आ रहे हैं उसको ठीक है आप जो बोल रहे हो सब समझ रहे हैं और रिपीटेटिव बिहेवियर भी नहीं है व्हाट द पॉइंट दिस इज हाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द ऑटिज्म नेक्स्ट लैंग्वेज डिसऑर्डर्स मे बी रिसेप्टिव मे बी एक्सप्रेसिव और चाइल्ड अंडरस्टैंड एवरीथिंग बट नॉट एबल टू एक्सप्रेस ओके स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स प्रॉब्लम इज मोर विद द प्रोडक्शन ऑफ द स्पीच एवरीथिंग इज फाइन ओनली प्रॉब्लम इज देयर विद द प्रोडक्शन ऑफ द स्पीच वी हैव ऑलरेडी सीन ऑल दिस थिंग्स इन जो FACA जो 10-12 केस हमने देखा तो वहाँ पर सब चीज़ें आ गया था ठीक है आर्टिकुलेशन मसल मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन इसमें सब प्रॉब्लम है fluency disorders stuttering and stammering we have told many times okay now what are the other causes of language delay ho raha hai baki cause kya hai suppose bacche ko samajh mein nahi aa raha hai hearing impairment hai there is a problem with the hearing impairment hai. Child is having global developmental delay like cerebral palsy है ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उसको तो वहाँ पे स्पीच सेंटर भी गया है उसका या जो भी है लैंग्वेज सेंटर भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मेंटल रिटार्डेशन नाउडेज वर्ड मेंटल रिटार्डेशन इज नॉट यूज्ड इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज द वर्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ठीक है सेलेक्टिव म्यूटिज्म व्हाट डू यू मीन बाय सेलेक्टिव म्यूटिज्म कुछ लोगों के साथ वो बात करता है कुछ लोगों के पास बात नहीं करता स्कूल एनवायरमेंट में वो बात नहीं करता है होम एनवायरमेंट में बहुत अच्छा बात करता है सेलेक्टिव म्यूटिज्म ओके मैचुरेशनल डिले देन साइको सोशल डिप्रवेशन एंड एक्सेसिव स्क्रीन टाइमिंग दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम फॉर दी कॉज फॉर दी लैंग्वेज डिले ओके दिस इज ऑल्सो ए रिपीटेशन चाइल्ड विद एक्सप्रेसिव डिले एक्सप्रेशन मतलब बोलने में तो कहाँ मिलता है ये Child with a hearing loss. यहाँ पे क्या था जहाँ पे बच्चे को hearing loss है तो वहाँ पे कौन सा मिलता है इसमें जब बच्चे को सुनाई नहीं पड़ता है तो उसका non verbal is good. Okay, deficit is only in receptive and expression. आपने non verbal ही कुछ करके दिखाया तो उसको समझ में आएगा बट जो भी चीज़ अगर बोल रहे हैं आप तो उसको सुनाई नहीं पड़ेगा और उसको decode नहीं कर पाएगा वो ओके चाइल्ड विद ऑटिज्म यू हैव द प्रॉब्लम इन ऑल द थ्री एक्सप्रेशन एक्सप्रेसिव रिसेप्टिव वर्बल नॉन वर्बल सब में प्रॉब्लम है उसको ओके चाइल्ड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अगेन बोथ रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव बोथ आर गेट अफेक्टेड और समटाइम ओनली वन इज गॉन मेंटल रिटार्डेशन का जो बच्चा है उसमें कभी कभी क्या होगा कि आप जो बोलते हैं वही उसको समझ में नहीं आ रहा है मैंने एक्सप्रेशन भी नहीं कर पाता है और रिसेप्शन भी नहीं कर पाता है कभी कभी एक्सप्रेशन सही है रिसेप्शन सही नहीं है एनीथिंग कैन हैपन इन केस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन नाउ